कितनी भी कोशिश कर लो ये फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। साल बदलने को आया है लेकिन इस साल 2022 ने हम सबको काफी कुछ सिखाया है। वो पांच बड़ी पर्सनालिटीज जिनकी लाइफ से इस साल हमें काफी कुछ सीखने को मिला, आइए आज इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। लर्निंग नंबर वन, सीखने वाली सबसे पहली बात, लाइफ गोज ऑन सो जस्ट कीप गोइंग। जिंदगी रुकती नहीं है, आप इसके साथ चलते रहिए। ये पहली बात हमें सिखाती हैं देश की हमारी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। 27 अक्टूबर का दिन था, 2009 साल था, 7 बजी थी सुबह की, भुवनेश्वर के पत्रपदा इलाके में अचानक से हलचल तेज हो जाती है, एक लड़के की लाश मिलती है, बेसुध लड़का मिलता है। घर वाले इस उम्मीद के साथ अस्पताल ले जाते हैं कि शायद बच जाए, लेकिन डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। ये लाश थी लक्ष्मण मुर्मू की, जो कि हमारी माननीय राष्ट्रपति जी के बेटे थे। बेटे की मौत से वो उभरी भी नहीं थी कि तभी उन्हें दूसरा झटका मिलता है, दूसरी झकझोड़ देने वाली खबर मिलती है 2013 में, जब उनके दूसरे बेटे की मौत हो जाती है एक सड़क हादसे में। अपने दो जवान बेटों की मौत के बाद में वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, शायद कोई और होता तो जीवन को पता नहीं किस मोड़ पर ले जाता, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ने इससे उबरने के लिए अध्यात्म का सहारा लिया, मेडिटेशन का सहारा लिया। वो राजस्थान के माउंट आबू में जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान है वहाँ जाने लगी, कई कई दिनों तक ध्यान करने लगी। तनाव को दूर करने के लिए उन्होंने राजयोग सीखा, संस्थान के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी, अध्यात्म को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और आज वो हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर आसीन है। उनकी कहानी हमें बताती है कि जीवन में चाहे तमाम मुश्किलें आ जाएं, अगर आप अंदर से मन को चित्त को शांत रखते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जीवन के साथ चल सकते हैं, दूसरों के काम आ सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। 2022 की बात चलिए तो 2022 के T20 वर्ल्ड कप को कोई भूल नहीं सकता। हमें इस T20 वर्ल्ड कप से चाहे ट्रॉफी ना मिली हो, लेकिन मिले हैं स्काई सूर्य कुमार यादव, जिन्हें मिस्टर 360 डिग्री कहा जा रहा है। एबी डी विलियर्स के बाद में क्रिकेट दुनिया में अगर कोई ऐसा खिलाड़ी आया है जो हर दिशा में शॉट लगाता है तो उसका नाम सूर्य कुमार यादव है। लेकिन सूर्य कुमार यादव की कहानी, ये लर्निंग नंबर टू हमें सिखाती है कि दुनिया में आप अपनी मेहनत के रास्ते पर चलते रहिए, सही रास्ते पर चलते रहिए, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया आपकी तारीफ करेगी, आपके लिए तालियां बजाएगी। 2010 से सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया की जर्सी पहनने का इंतजार कर रहे थे, 10 साल से टीम इंडिया में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, 10 साल तक मौका नहीं मिला। 2020 का वो टूर्नामेंट मुझे याद आता है IPL का, जब बड़ा अच्छा खेल रहे थे, फॉर्म में थे, टीम इंडिया के लिए नाम की अनाउंसमेंट होती है लेकिन इनका नाम नहीं आता है। उस शाम में एक बार फिर से ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं कोहली की बेंगलुरु के खिलाफ और बल्ला दिखाते हुए बताते हैं कि आप कहाँ दूसरों के चक्कर में पड़े हैं, मैं हूँ ना। आखिरकार इन्हें मौका मिलता है और उसके बाद ये पलट के नहीं देखते हैं। इन्होंने मात्र 573 गेंदों में 1000 रन T20 क्रिकेट में बना दिए और ऐसा करने वाले, सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले, ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, इस लिस्ट में नंबर वन पर आ चुके हैं। स्काई की कहानी बताती है कि आप अपने कदमों को जमीन पर रखें, लक्ष्य आसमान की तरफ रखें तो आसमान में आपका नाम अपने आप लिख जाता है। सीखने वाली तीसरी बात, 2022 से जो चैलेंज लेता है वही चैंपियन बनता है। क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप हुआ, फुटबॉल की दुनिया में भी इस साल वर्ल्ड कप हुआ और क्या कमाल का फाइनल हुआ। मतलब फुटबॉल के लवर्स कहते हैं कि ऐसा मैच हमने बरसों में पहली बार देखा है। ये वो मुकाबला था जिसमें सबकी सांसें अटकी हुई थी। इस फाइनल मैच से हमें वो दो हीरोज मिले जिसमें से एक ने ट्रॉफी जीती, दूसरे ने दिल जीता। पहला है लियोनेल मेसी, जो कि लेजेंड हैं, जिन्होंने अलविदा कहा लेकिन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ में इस गेम को अलविदा कहा है। लियोनेल मेसी की कहानी कुछ ऐसी है कि 11 साल की उम्र में उन्हें ग्रोथ डिफिशियंसी हार्मोन का सामना करना पड़ रहा था। उनकी जो हाइट थी वो बढ़ना बंद हो चुकी थी, डॉक्टर्स ने कहा था कि लड़का कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, लेकिन वही लड़का अपनी टीम अर्जेंटीना को, मतलब 1986 के बाद, इतने लंबे समय के बाद, अब जाकर के वर्ल्ड कप जिताता है। लियोनेल मेसी की कहानी में एक ट्विस्ट तब भी आया जब उन्हें मौका नहीं मिल रहा था फुटबॉल खेलने का और वो पहुंच गए थे स्पेन के बार्सिलोना क्लब में और वहां पर उनसे कहा गया कि भाई तुम्हें देख करके तो लग नहीं रहा कि तुम खेल पाओगे, तो मेसी ने कहा था कि मुझे एक फुटबॉल दे दीजिए, मैं कमाल करके दिखाऊंगा, और कमाल करके दिखाया था। उन्हें जब साइन किया गया तो पेपर भी नहीं था वहाँ पर, टिश्यू पेपर पर वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने लिख दिया था कि भैया तुम आज से हमारे साथ हो गए हो। दूसरे जो इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में हमें हीरो मिले जिन्होंने दिल जीत लिया, वो हैं किलियन एम्बापे। ये वो हैं जो कि फ्रांस के एक ऐसे शहर में पले बढ़े जहां पर दंगे हो रहे थे, दंगों के माहौल में पले बढ़े, घर में पैसों की तंगी थी, जब फुटबॉल खेलने के लिए जाते थे कई बार पिताजी के जूते पहन के जाते थे और उनमें कपड़े घुसा लेते थे ताकि वो जूते उन्हें फिट आ पाएं। ऐसी
मुसीबत का, ऐसी गरीबी का सामना करने के बाद भी अपना गोल जो था वो हाई रखा, और जिन्हें अपना आइडल मानते थे रोनाल्डो, उनके नक्शे कदम पर चले, और आज पूरी दुनिया एम्बापे की जय जयकार कर रही है। 2022 ने जो चौथी लर्निंग दी है वो ये है कि घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। यूके वालों को एक घमंड था, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स के बाहर इस तरीके के बोर्ड लगवा दिए थे एक ज़माने में कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आज उन्हीं के देश की सरकार एक भारतवंशी चला रहा है। ऋषि सुनक साहब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने इस साल, और वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई जिसमें वो ब्रिटेन के वहाँ दफ्तर में पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री बन के, और उनके साथ में उनका पेट भी है, उनका डॉग भी है। तो जो उन्होंने घमंड किया था ब्रिटेन वालों ने, आज उनका घमंड जो है वो चूर चूर हो गया है। बाकी ऋषि सुनक साहब की कहानी एक चीज़ और सिखाती है। जब चुनाव हो रहे थे वो हार गए थे 45 दिन पहले, 45 दिन के लिए वहाँ लिज ट्रस जो है प्रधानमंत्री रही, हालांकि वो पद संभाल नहीं पाई, ख़राब पॉलिसीज़ के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और फाइनली ऋषि सुनक साहब का नंबर आ गया। तो वक्त को भी कई बार वक्त लगता है बदलने में, आप वक्त पर बस भरोसा रखिए, आपका भी नंबर आएगा। और आखिरी पांचवी बात जो कि 2022 ने हमें सिखाई, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। पांचवी लर्निंग मिलती है उस पर्सनालिटी से जिन्होंने लाइफ में कभी हारना नहीं सीखा है। नाम है उनका द ओल्ड द यंग द ट्रेडिशनल द एवरग्रीन विराट कोहली। T20 वर्ल्ड कप 2022 पहला मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दिवाली से पहले मैच था, सारे हिंदुस्तान को इंतजार था कि टीम इंडिया जीतेगी, दिवाली पर हम पटाखे फोड़ेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, मिठाई बांटेंगे, लेकिन मैच फंस गया। पाकिस्तान ने 160 का टारगेट दिया और टीम इंडिया के विकेट्स धड़ाधड़ गिरते चले जा रहे थे, लेकिन तब अचानक से एक खिलाड़ी आता है, बॉल हवा में उड़ती हुई सीधी ऑडियंस के बीच में, दर्शकों के बीच में पहुंचती है, और स्पेक्टेटर्स जो तालियां बजाना शुरू करते हैं वो आखिरी तक बजाते रहते हैं, क्योंकि विराट कोहली नाम का जो गाना है वो बजता ही चला जाता है। टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई आकर के खड़ा हो गया था जीत के रास्ते में पाकिस्तान की, तो वो थे विराट कोहली, जिन्होंने उस मुकाबले को भी जिताया और उस T20 वर्ल्ड कप में जो फॉर्म दिखाई उससे बता दिया कि अभी मेरे अंदर बहुत सारी सेंचुरीज बाकी हैं। इस T20 वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी लोग कह रहे थे कि क्या विराट कोहली को टीम में रखना चाहिए, क्या वो इस लायक बचे हैं, क्या उनके अंदर टैलेंट बचा है, क्या उनके अंदर क्रिकेट बची है। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि इन्हें टीम इंडिया से बाहर कर दीजिए, कप्तानी उनसे छीन ली गई थी, बुरा समय चल रहा था, लेकिन विराट कोहली ने खुद पर भरोसा रखा और बता दिया कि जो खुद पर भरोसा रखते हैं वो एक ना एक दिन वापसी ज़रूर करते हैं। तो ये पाँच वो पर्सनैलिटीज़ रही हैं, इनफैक्ट 6 वो पर्सनैलिटीज़ रही हैं जिन्होंने 2022 में हमें जीना सिखाया। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023 इन एडवांस। आपका नया साल धमाकेदार रहे, शानदार रहे, यादगार रहे। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 एक मोटिवेशनल कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। एक नया चैनल मैंने शुरू किया, नाम है उसका RJ कार्तिक एक्स्ट्राज, जहां मोटिवेशन के अलावा बहुत सारी बातें आपका इंतजार कर रही है।